नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि ऐसे लोगों पर है जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों से अपनी पढ़ाई की और पास आउट करने के बाद आज वो अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर रहकर दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है एलम्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है उन शिक्षकों के प्रति जो कि पंखों वाले क्लासरूम में इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये बच्चे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर लोगों को अपने दिमाग और ज्ञान के बल पर प्रभावित करते हैं। और दूसरा उद्देश्य जो आज के समय में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लेकर है कि वो अपने को किसी से कम ना समझे, वो देख लें कि जो उन्हीं की तरह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे आज वो कहां कहां पर बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पास आउट स्टूडेंट हूं। सरकारी स्कूल के बच्चों का और उनके सपनों का पैसे के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। मैं आज भी ऐसे कुछ सरकारी स्कूल के बच्चों से मिला जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उनको कोचिंग दिला पाए, लेकिन उन बच्चों का हौसला इससे टूटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। वो लोग मोबाइल पे वीडियोस देख के पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भी सरकारी स्कूल इस पूरे देश की जो जनता है ना, उसका रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे टाइम पे स्कूल में बच्चे पैदल आते थे, साइकिल पे आते थे, स्कूटर मोटरसाइकिल पे आते थे। उस जमाने में कारें ज़्यादा नहीं होती थी, बसों में आते थे। और आज भी जब मैं कभी देखता हूँ तो सरकारी स्कूल में वैसे ही बच्चे या तो पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, कारों पे भी आने लग गए हैं और स्कूटर मोटरसाइकिल पे तो आते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे देश का जो जनता है, जिस तरह का हमारा समाज है, उसको दर्शाता है। सरकारी स्कूल के बच्चों में एक और बहुत कॉमन चीज़ होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो स्कूल में बचपन से ही शुरू हो जाती है। उन्हें पता होता है कि हमें कब, कहाँ, किसको, कैसे और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो जो मुझे लगता था कि सबसे बड़ी कमी जो मुझे महसूस होती थी वो होती थी अंग्रेजी बोलने में। लेकिन विश्वास कीजिए कि ग्रामर के मामले में हम किसी से भी कम नहीं हैं। और जहाँ तक रही अंग्रेजी बोलने की बात, तो इस सीरीज में हम आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस बाधा को कभी भी अपने रास्ते में आने नहीं दिया। वो लोग MNCs में जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे हैं, और वो बोलने और लिखने में किसी से भी कम नहीं है। तो जो बच्चे अभी करंटली सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, वो अपने को किसी से कम नहीं समझें, क्योंकि आप वो सब कर सकते हो जो कोई और कर रहा है। अगर आप इस सीरीज में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है radiodwarka@radiodwarka.com। इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आप इस पर मेल पे भेज सकते हैं, उसमें अपना टेलीफोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।